ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर, ये सबसे एक्सटिंग्विशर CO2 गैस टाइप जो है ये सबसे आसान सीखने में, चलाने में और सबसे सेफ इस्तेमाल करने में, किसी भी तरह की आग पर इस्तेमाल करो इसको, सबसे ज़्यादा सेफ है। तो आज इसकी जो है हम चर्चा करते हैं, क्या इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। बाकी सब फायर सिलेंडर में और CO2 गैस का जो सिलेंडर होता है इनमें फ़र्क क्या है। देखो, बाकी सब में कोई ना कोई मटेरियल होता है। वाटर टाइप में पानी होता है, फोम टाइप में पानी में जो है बाकी सी केमिकल मिला के वो जो है सोडा बनाते हैं, और जो पाउडर का होता है उसके अंदर पाउडर होता है। लेकिन CO2 गैस टाइप के अंदर मटेरियल कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस होती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ओनली CO2। और ये जो है छोटे से लेके और बड़े हर साइज में मिलता है। ये भी पोर्टेबिलिटी है, छोटे से 2 किलो का भी मिलता है और फिर 5 किलो का भी मिलता है, फिर 10 का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 किलो का भी होता है। 50 किलो वाला ट्रॉली पे रखा होता है, उसमें 2 टायर लगे होते हैं छोटे छोटे से। CNG पंप पे जाओगे ना, कभी CNG के पंप पे जाओगे तो जहाँ हम गैस डलवाते हैं उसके साइड में एक तरफ अलग सिलेंडर लगे होते हैं बहुत सारे, एक अलग कोने में पंप पे, कभी ध्यान देना, वाइट कलर के, उनके पास रखा होंगे ऐसे 2-3 ट्रॉली वाले एक्सटिंग्विशर। वो एक्सटिंग्विशर ही हैं, इतने बड़े बड़े होंगे, इतने ऊँचे ऊँचे, लेकिन है वो एक्सटिंग्विशर, थोड़े बड़े साइज़ के, वो 40-50-35 किलो वाले हैं। उनको भी ऐसे ले जाना कहीं मुश्किल नहीं है, ट्रॉली में रखे गए हैं। वो जैसे एयरपोर्ट पे अपन वो ट्रॉली पकड़ते हैं ना शॉपिंग के लिए, उस तरीके से लंबी ट्रॉली बनी होती है जिस पे वो बंधा हुआ होता है, नीचे 2 पहिए होते हैं, पकड़ के खींच के ले जा सकते हैं आराम से उसको भी किधर से। सो CO2 के बारे में जानते हैं, ये जो है 2 तरीके से आग बुझाता है, 3 तरीके होते हैं ना, जानते हो, कूलिंग, स्मोदरिंग, स्टारवेशन, 3 हुए। ये मैं तरीके 2 लगाता है। पहला तो CO2 गैस है, तो जहाँ पे CO2 होती है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। भाई ये आ जाएगी तो चली जाएगी ना, और इसको यहाँ इकट्ठी कर देंगे तो ये चली जाएगी, है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन तो जहाँ आग जल रही है वहाँ पर नॉर्मल अवस्था में है, और इसको हम ज़बरदस्ती वहाँ पे फेंक रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो एक जगह इकट्ठी थी, हमने ज़बरदस्ती वहाँ फेंक दी एकदम से ले जाके, तो ये वहाँ से हट जाएगी। दूसरा जो है, ये पहला तरीका लगाता है, अगर ऑक्सीजन इसने ख़त्म कर दी तो कौन सा तरीका लगाया, क्या लगाया, समोदरिंग लगा दिया, ठीक है। और दूसरा जो है मैं आपको बताऊं, ये CO2 गैस जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। इसको इस्तेमाल करने में सावधानियां जो बरतनी होती हैं वो भी मैं बताऊंगा सामने थोड़ा सा आगे चल के आपको, बहुत ठंडी होती है, बर्फ़ की तरह। तो दूसरा तरीका क्या लगाती है, कूलिंग, ठीक है। तो 2-2 तरीके लगा देती है एक साथ, तो आग बुझना तो फिर मुश्किल नहीं है ना इसमें। अच्छा, इसको आप तेल की आग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लिक्विड की आग पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है। बात आती है पॉसिबिलिटी, ये बहुत बड़े लेवल पे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, हम नज़दीक नहीं जा सकते हैं तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खासियत काफ़ी ज़्यादा है तो एक आध कमी भी है। वो कभी क्या है कि इसको ना बहुत दूर से नहीं चला सकते हम, है, अभी पानी और पाउडर वाले को इधर खड़े होकर चलाएंगे ना तो आगे 10-12 फुट तक पानी वो फेंक देगा पूरे प्रेशर से, 10-12 फुट नॉर्मली फेंक देते हैं,
लेकिन CO2 की गैस है ना, गैस बहुत ज़्यादा दूर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जो वायुमंडल में घूम रही है वो भी सारी गैस है, तो गैस के साथ जाते ही गैस बन जाएगी, उनके साथ वायुमंडल में ना मिक्स हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दूर तक ये काम नहीं कर सकती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट तक काम कर पाएगी, बस मैक्सिमम है कि 5 फुट तक कर पाए, बस 5 फुट से ज़्यादा की वैल्यू औकात नहीं है भाई, उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएगी, थोड़ा बहुत किया भी तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो हवा में मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, काम नहीं करेगी तो फ़ायदा क्या। तो लिक्विड की आग पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो थोड़ी है और कंट्रोल में है और 3-4 फुट दूर खड़े हो गए, अगर हम उसको बुझा सकते हैं तो ये बुझा देगी, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है, पाउडर नहीं है, रेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तेल खराब भी नहीं होगा, आग भी बुझ जाएगी। दूसरा, ये सबसे अच्छा बिजली की आग पे सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करने वाला एक्सटिंग्विशर है, बिजली के किसी भी इक्विपमेंट्स के अंदर, बिजली के किसी भी औजार, हथियार, मशीन में, उपकरण में आग लगी हो तो इसको इस्तेमाल करो, सबसे बेटर ये है। कंप्यूटर में लगी है इसको इस्तेमाल करो, ना तो कंप्यूटर ख़राब होगा, पाउडर मारेंगे तो कंप्यूटर की प्लेट सारी फूक जाएगी, वो तो जाम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पानी मारेंगे तो वैसे पानी नहीं मारते हैं बिजली पे तो हम लोग, इसलिए वो तो मारना ही नहीं चाहिए हमें, फोम में तो पानी होता है वो तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, क्या बचा फिर, यही तो बचा है। तो बिजली की आग के लिए हम ये बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा है क्या, वन एंड ओनली सबसे बेस्ट यही है, इसको इस्तेमाल करो आग बुझा दो, तेल की आग लगी हो तो भी इसको बुझा दो, वैसे चाहे ए क्लास की को भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ए क्लास पे भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, कूलिंग मेथड लगा रहा है ना, कूलिंग मेथड तो ए क्लास पे सबसे बढ़िया होता है। अब कई कोने में किताबों में आग लगी होगी तो क्या किताबों की बुझा नहीं सकता, ये तो और भी अच्छा है, ऑफिस में, बैंक में, जहाँ पे कागजी कार्रवाई होती है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फाइलें रखी होती हैं, वहाँ पे ये सबसे अच्छा है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की आग को तो बुझाएगा ही बुझाएगा, अगर कभी किताब कापी, न्यूज़पेपर, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर, फाइल्स वगैरह में आग लगी तो भी ये सबसे अच्छा काम आएगा, पानी मारेंगे वो गल जाएंगे, हैं, पाउडर मारेंगे चारों तरफ सब पाउडर वाउडर हो जाएगा पूरा, और ये कुछ नहीं होगा, आग बुझा के गायब हो जाएगी, तुरंत आग बुझा के फटाक से गायब हो जाएगी, वायुमंडल में मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल क्लीन एजेंट का काम करती है, क्लीन एजेंट मतलब अपने आप साफ सुथरी होती है। तो ये CO2 गैस टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं ये मल्टीपर्पज होते हैं, पानी के जो है एक्सटिंग्विशर हम ए क्लास की आग पे यूज करते हैं, फोम के जो है हम लोग बी क्लास पे यूज करते हैं, अब इसको जो है ए पे करो, बी पे करो, सी पे करो, किस पे भी करो, डी पे, ई पे, सब पे चलेगा, वो ये चल जाएगा, काम कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए या हमारी प्रॉपर्टी को, यानी कि जो भी माल मटेरियल सामान है उसको ख़राब कर सके, ये तो है इसका काम। सिलेंडर का चलाने का तरीका सिंपल है बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ रखा होता तो मैं अभी के भी दे देता, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई कार्टेज वार्टेज नहीं लगती है, यहाँ पे बस एक जो है इसका वॉल्व होती है, वॉल होती है, और यहाँ से ही गैस जो है अंदर जाती है, इधर से ये आउटलेट होता है। अच्छा, यहाँ पे आके इस पाइप में जो है एक डिस्चार्ज हॉर्न लगा दिया जाता है, वो ऐसा होता है, ये CO2 सिलेंडर होता है, इसके अंदर पूरी गैस भरी गई है। अब गैस ये नहीं बोल सकते कि यहाँ तक भरी है कि यहाँ तक भरी है, वो गैस है बेटा, पानी नहीं है। हमने क्या बताया था, गैस कैसा पदार्थ होता है जिसका अपना कोई आकार नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन वजन होता है, तो वजन तो है, इसमें भरेंगे तो वेट बढ़ जाएगा इसका, अपने गैस सिलेंडर का वजन नहीं होता, खाली 14 का होता है फिर 19 का हो जाता है, बढ़ जाता है ना वो, ऐसे ही ये खाली कुछ होता है, इसका खाली का भी यहाँ लिखा होता है, इसमें खाली का लिखा होगा, भरे का भी लिखा होगा, खाली कितना है, भरने के बाद कितना होता है, तो इसके अंदर गैस भरी होती है पूरा ऊपर तक, यहाँ ये वाल्व होती है बिल्कुल अपना जैसे गैस का रेगुलेटर होता है वो ऐसे करके खुलता है, ये ऊपर ठुट्ठी की तरह ढक्कन होता है, इसको ऐसे घुमा के खोला जाता है प्रेशर के हिसाब से, जितनी ज़्यादा चाहिए उतना फुल खोल दो अगर पूरा खोलना है तो, थोड़ी कम चाहिए नज़दीकी आ गए तो उसको आधा खोल के आराम से चला लो, गैस कम इस्तेमाल होगी, काम भी हो जाएगा, यानी कि जैसा हम चाहें इसको तो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में होता है। और ये जो है
दो ढाई फुट का होता है, मैक्सिमम तीन फुट की हो सकती है, ये तीन फुट तक जो है। इसके बाद ये डिस्चार्ज हॉर्न होता है। अब इनकी तरह खाली ऐसा जो है पतला सा पाइप इनकी तरह नहीं होता है इसके अंदर। आप सोच सकते हैं कि पतला पाइप क्यों नहीं होता है, गैस तो उससे भी निकलनी है, प्रेशर से जाएगी वो भी, तो ये हॉर्न क्यों लगाया गया? क्या ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ब्लो टॉर्च नाम की चीज़ होती है, साइंस में पढ़ाया जाता था। चलिए ब्लो टॉर्च छोड़ो, ज़्यादा साइंस में घुसेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, हिंदी स्टूडेंट हो। ये निकलने वाली गैस को एकदम से वायुमंडल में मिलने से रोकने के लिए लगाया जाता है। ये जो पाइप है इन सभी में है, ये बड़ा पतला सा होता है आगे से। इतने पतले से गैस को बाहर निकालेंगे तो वो थोड़ी सी दूर जाएगी, ज़्यादा दूर जाएगी नहीं, वो थोड़ी सी दूर जाएगी। अपनी गैस लीक होती है तो वो दुर्गंध आती है इसलिए पता चलता है दूर दूर गई, लेकिन प्रेशर में वो मैक्सिमम एक डेढ़ फुट तक जाएगी। बस एक डेढ़ फुट तक जाने के बाद क्या, उसका जो सामने भागने का प्रेशर था ना, वो ख़राब हो जाएगा। पहले तो यहीं से वो वायुमंडल में मिलना शुरू हो जाएगी। देखो बहुत पतली पाइप से पानी निकलता है तो आगे जाके वो एकदम से चौड़ा नहीं हो जाता है, और उसकी फुहार सी बननी शुरू हो जाती है। अच्छा, पाइप जितना चौड़ा होगा पानी उतना जो है चारों तरफ नहीं फैलेगा, प्योर एकदम उसके पाइप के सामने से गिरेगा। उसको जितना पतला करेंगे पानी उतना छितरा के फैल के जाना शुरू कर देगा। अरे लिक्विड तो इतना वेटफुल होता है, जब वो ऐसे जा रहा है तो गैस तो बहुत हल्की होती है, सोचो इसको इतने पतले पाइप से प्रेशर से निकालेंगे तो वही ना छितरा के खराब हो जाएगी सारी की सारी, आगे तक तो जाएगी ही नहीं। और मान भी लो कि बहुत ज़्यादा दूर आग नहीं है, सिर्फ एक डेढ़ फुट दूर पाइप को लगा के हम बुझाएं भी, तो ये तो पैनी है ना, एकदम पैनी बीच में मारेगी, आग कैसे बुझेगी? उससे बुझेगी भाई, आग ज़्यादा नहीं करते, तीन फुट के एरिया में लगी हुई है, इतने में लगी हुई है। तो इस पतली पाइप से पानी तो चलो आगे जाके फुहार बन जाती है, लेकिन गैस तो आगे जाके गायब हो जाएगी ना, फुहार नहीं बना सकते। और पास से इसको बुझाएंगे तो कैसे, वो तो पिचकारी की तरह जा रही है गैस, तो ऐसे ऐसे करके कब तक लगे रहेंगे भाई? ये तो कोई टेक्निक नहीं बनती है ना, इसीलिए हॉर्न लगा दिया गया। ये पतली पाइप से यहाँ आके जब वो फैलने लगता है तो सामने उसके ये जो है हॉर्न उसको रोक लेता है, दोनों तरफ जाने ही नहीं देता किधर भी। यहाँ आके गैस फैलना शुरू हो जाती है वायुमंडल से, लेकिन ये फैलने नहीं देता है क्योंकि आगे एक फुट का तो कम से कम यही है, एक फुट का तो यही है। तो फिर वो इसी के अंदर से यहाँ आती है और इतने एरिया में सामने जो आग होती है ना उस पर ऐसे बरसना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगी वो, मैंने आपको पहले ही बोला ज़्यादा दूर ये गैस की औकात नहीं होती है, वो मैक्सिमम तीन फुट तक जाएगी बस। लेकिन तीन फुट तक ऐसे चौड़े में जाएगी ना, एकदम पूरा कंट्रोल करेगी उसको, ऐसे खा जाएगी पूरा सिस्टम को। तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी होता है। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्ज हॉर्न। क्या बोलते हैं? हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं बाकी सबको, लेकिन इसको डिस्चार्ज हॉर्न इसलिए बोलते हैं, ये हॉर्न जैसी शक्ल है और हॉर्न जैसी ही आवाज़ आती है बेटा, बाकी सब में इतनी आवाज़ नहीं आती, चलते हैं तो इसमें बहुत आवाज़ आती है, ऐसे करके लगता है कि पास में पता नहीं क्या चल गया, बहुत तेज आवाज़ करता है ये, इसीलिए इसका नाम डिस्चार्ज हॉर्न रखा गया है। ये दिखता भी उसी की तरह है और आवाज़ भी बिल्कुल हॉर्न की तरह ही निकालता है, बहुत तेज दूर तक पता चलता है कि यार कुछ चलाया गया है, तो जो जानता है कि क्या चलाया है वही समझ सकता है, वरना पता नहीं चलता क्या चल रहा है, इतनी तेज आवाज़ करता है। समझ गए? इसमें कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा नहीं होता है, सीधा उतार के लेके आना है। इसमें ऐसे खड़ी पिन होती है, मान लिया ये जो है इसके अंदर से एक सुराख है और उसके अंदर से सीधे डायरेक्ट पिन लगा देते हैं। अब जब तक ये पिन नहीं निकालेंगे ये घूमेगा नहीं। अरे जैसे स्टेयरिंग में नहीं लोग लगा देते हैं, ऐसे इस व्हील के बीच में से एक सीधा ऐसे पिन जाती है और यहाँ पे एक ऐसे पत्ती निकली उसके आर पार हो जाती है ये। तो जब तक ये पिन नहीं निकालेंगे वाल घूमेगी नहीं, जब तक घूमेगी नहीं अपने को कोई टेंशन नहीं, वो सेफ्टी पिन बोलते हैं। इस पिन को ये ऐसी होती है, इस पिन को पकड़ के निकाल दो तो ये घूमना शुरू हो जाएगी, फिर इसको घुमा के एक हाथ से हॉर्न पकड़ो और चला दो आग पे, स्वाइप करके। एक्सटिंग्विशर का चलाने का कोई भी तरीके हो, मैं भूल गया था, मेरे को पहले दिन बता देना चाहिए था आपको,
कोई भी एक्सटिंग्विशर चलाने का एक तरीका होता है, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ इंग्लिश का, वो बड़ा फेमस है, बहुत जगह लिखा भी मिलेगा, पी ए एस एस, पास, याद भी रहेगा। पी का मतलब होता है बेटा पुल, पुल का मतलब खींचना, एक्सटिंग्विशर को कहाँ से खींचना है, दीवार से, दीवार भी लगा होगा ना या कहीं रखा होगा, तो मतलब वहाँ से उसको उठा के लेके आना है आग तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है ए का मतलब एम, एम समझ गए, अपना एम क्या है, वो जल रही आग, एम क्या है हमारा, आग बुझानी है ना, इसको उठा के लाए है ना, तो अब हमारा निशाना, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो आग है, तो हमने क्या है सिलेंडर उठा के लेके आए, फटाक से वहाँ से उठा के ले आए, यहाँ आ गए, सेकंड क्या है हमारा एम, एम या ये आग है, मैंने एम पकड़ लिया, ठीक है, इधर आगे मैं खड़ा हो गया, मेरे को मेरा निशाना पता चल गया, दो चीज़ होगी। तीसरा जो होता है ये होता है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, स्क्वीज, यही है या कुछ और होता है, चलिए अगर गलत है तो ठीक कर लेना। स्क्वीज का मतलब होता है इसकी पिन निकालना, क्या होता है, इसको अनसेफ करना, मतलब सेफ्टी है ना पूरी की पूरी, तो इसको जो है ना हमने वो सेफ्टी पिन निकाल के इसको यूज के लायक बनाना, यूजेबल तैयार करना है इसको, तो सेफ्टी पिन को निकाल के इसको जो है चलाने के लिए तैयार करना, स्क्वीज का मतलब है दबा देना, ठीक है। पुल उठा के लेके आया है, एम आग के सामने इसको लाके बिल्कुल तैयार हो गया, उसके बाद स्क्वीज का मतलब है पिन निकाला और इसको नीचे क्या किया, दबा दिया, तो स्क्वीज मतलब दबाना, चलाना, क्या, हाँ, पिन निकाल के चला देना, स्क्वीज हो गया। अब आपका सिर्फ एस बचता है, अब चल तो गया, मैं उठा के ले आया, आग पे मैंने लगा दिया, पिन निकाल के उसको चालू भी कर दिया, और पाउडर, पानी, गैस जो भी है वो चलना शुरू हो गया पाइप से, तो एक और एस बचा हुआ, फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्वीप, स्वीप समझते हो, स्वीपिंग करना है ना, तो इसको लास्ट क्या बचता है, चालू तो हो गया लेकिन इसको ऐसे ऐसे करके आग बुझाना है, कैसे, ऐसे करके आग बुझाना है। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसे खड़े होके कभी नहीं बुझाते हैं सिलेंडर को, ऐसे रख के, ऐसे लगा के, ऐसे कभी नहीं बुझाते हैं। अपना जो है ये दायां पैर हमारा जो होता है वो हमेशा पीछे होता है, पूरा प्रेशर उस पर रखते हैं, ताकि ये झटका भी मारे या हमें भी इधर उधर हटना पड़े की वजह से, तो अपना खुद पे कंट्रोल हो सके और हम ऐसे खड़े होके आराम से चला सकते हैं। ऐसे खड़े होके चलाएंगे, अगर इसी ने झटका मार दिया, एकदम से आग भड़क गई और हमें पीछे हटना पड़ा, पीछे कौन खड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ है मतलब पता ही नहीं है, हम खुद गिरेंगे, ऊपर से 5-10 किलो का हाथ में भी लिया हुआ है। तो ये पोजीशन क्या होती है, इसमें हम स्ट्रेंथ होती है हमारी पूरी पैर के ऊपर है, एकदम से हटना भी हुआ तो ऐसे आ जाएंगे हम लोग, हमारे अंदर पावर इतना होता है ये पैर में, और ऐसे खड़े रहे तो कुछ जोर नहीं लगेगा भाई, जरा सा भी जोर नहीं लगेगा शरीर से, ऐसे करके कहाँ भागेंगे हम एकदम से। इसलिए कभी भी अपने दाएं पैर पे ही सारा जोर पीछे लगा के आप रखिए, ऐसे ये सीधा, इसको बेशक से मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, फिर ऐसे चलाओ, ये होती है असली पोजीशन एक्सटिंग्विशर चलाने की। तरीका ये याद रखना बेटा, इसको पूछा जा सकता है, पास सिस्टम बताइए क्या होता है, ठीक है, और शायद कभी कभी एक्सटिंग्विशरों पे भी लिखा होता है, और एक्सटिंग्विशर जहाँ दीवार पे लगे होंगे उसके साथ एक पर्ची भी लगी होगी और अलग से, उस पे भी ये लिखा होगा पूरा का पूरा, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, उठा के लाना है आग के सामने, उसका पाइप तैयार करना है, पिन निकाल के उसको दबा देना है, और उसको हिला हिला के जो है ना ऐसे घुमा घुमा के आग को बुझा देना है। तो पास सिस्टम समझ आ गया, ठीक है। अब मैं आपको CO2 गैस एक्सटिंग्विशर की खासियत और इसकी जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ। इसकी खासियत मैंने आपको बताया, इसके अंदर ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट कंपनी में जाता है, गैस भर देते हैं, लोग होके अपने पास आ जाती है, और ये कितने दिन तक रखी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मटेरियल है नहीं जो ख़राब हो जाएगा, गैस कभी ख़राब होती नहीं है, पानी है जंग लग जाएगा अपने को, डर है, गैस है कोई डर ही नहीं है,
पाउडर है, कहीं दाने ना बन जाए, निकाल के देखना पड़ेगा, इसका कोई डर ही नहीं है। गैस है, पड़ी है, ठीक है, लॉक है, बंद है, रखे रहो, जब कभी इस्तेमाल जरूरत पड़ेगी, चाहे 2 साल में जरूरत पड़े, हम लोग चला सकते हैं उसको, है ना। यूज करने में आसान है, सिर्फ पिन निकालनी है, वॉल घुमाना है, अपनी मर्जी से चलाओ। और ये क्या है सबसे अच्छी खासियत, ये एक बार चालू किए तो बाकी सब की तरह एकदम से पूरा खत्म नहीं होता है। जितना हमने बुझाना था, बुझने के बाद वापस फिर से बंद करके रख लो उसको, उसमें गैस बाकी है, जब दोबारा इस्तेमाल कभी करना पड़ा फिर कर लेंगे उसको। ये इसकी अच्छी खासियत है। अच्छा, इसको हम किसी भी तरह की आग पे चला सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये कभी करंट नहीं मारती है, किसी आग पे बिजली पे भी इस्तेमाल किया तो, किसी मटेरियल को खराब नहीं करती है, ठीक है। और CO2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ चलाएंगे वहाँ पे हमें सांस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है कि सारी ऑक्सीजन खा जाएगी, और ठंडा करके आग को बुझाती है, समझ गए मेरी बात। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। और नुकसान ये है कि इसको जो है थोड़ी ज़्यादा दूरी से नहीं चला सकते हम लोग, आग के पास जाके चलाना पड़ता है, ठीक है ना। और थोड़ा महंगा पड़ता है बाकी सबसे, बाकी कोई भी सिलेंडर है वो 500 रुपये से 700 800 1000 रुपये के अंदर में बड़े छोटे सब रिफिल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होती है, क्योंकि इसमें बाकी सब में गैस थोड़ी सी होती है, बाकी मटेरियल होता है, पानी वाले में पानी होता है, फ्री होता है। AFFF थोड़ा सा महंगा आता है, डालना भी तो 4% 3% ही है ना, है कि नहीं है। पानी वाले में तो कुछ डालना ही नहीं है, खाली पानी भरा, कार्टेज लगा दी, एक कार्टेज लग दिया, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा गैस से भरना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है बाकी सबसे। तो बाकी सब की बजाय ये जो है बहुत कम जगह मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, इसको कम यूज करते हैं, महंगे की वजह से नहीं करते हैं, वरना सबसे अच्छा मल्टीपर्पज DCP से भी ज़्यादा अच्छा मल्टीपर्पज सिलेंडर है ये, लेकिन इसको महंगे की वजह से थोड़ा कम लोग जो है इससे बचते हैं और DCP को ज़्यादा यूज करते हैं। और इसकी एक कमी अगर हम आपको बताएं तो बाकी ज़्यादा कमियाँ नहीं है यार, इतनी कमी नहीं बतानी चाहिए सिलेंडर की, ठीक है। साइड डिसएडवांटेज बताएंगे तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। एडवांटेज ज़्यादा है इसके अंदर और डिसएडवांटेज बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में आपको बताऊँ, इसके अंदर जो गैस होती है वो कभी भी पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं होती, कभी भी 70 से 80% ही इस्तेमाल होती है, 30% तो चलाने से भी नहीं चलेगी, वो आती ही नहीं है, ख़राब होती रहती है, या तो लिक्विड बन जाती है या फिर वो चलता ही नहीं है उसमें, वो ऐसे ही बर्बाद ही होती है। सिर्फ 70 से लेके मैक्सिमम 75-80% तक टोटल गैस जितनी है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, 15-20-25% इसकी जो है इस्तेमाल नहीं होती है। बाकी सब सिलेंडर में भी यही होता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा 100% मटेरियल इस्तेमाल होता है, बाकी सब का भी यही होता है, ज़रूरी नहीं है 100% का 100% होता है, किसी का 80% मटेरियल यूज़ होता है, किसी का 90% तक हो जाता है। और CO2 गैस का मैंने आपको बता दिया 75 से 80% ही यूज़ होता है, 20% इसके अंदर की जो गैस होती है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो अंदर अंदर ही रहेगी, वो तो दोबारा भरेंगे तो उसमें ऐड होगी, लेकिन वो रहेगी वैसे, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी जो टोटल 80% है उसको एक बार इस्तेमाल कर लो, चाहे 4 बार इस्तेमाल कर लो, थोड़ी थोड़ी आग पे चाहे 5 बार इस्तेमाल कर लो, बाकी सब में फ़र्क है, उनको एक बार चला दिया तो खाली, वो तो भर के ही आएगा। इसको एक बार चला भी लिया, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया तो वापस बंद कर सकते हैं, गैस हमारी बच जाती है, फिर रख देते हैं दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, आज के लिए यही है। तो CO2 गैस की एक तो ये चीज़ जो है, और CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर इसको डिस्चार्ज हॉर्न बोलते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डिस्चार्ज हॉर्न, हॉर्न हॉर्न का ऐसा ही होता है ना, गाड़ियों के बसों के सब हॉर्न ऐसे ही होते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है, आवाज़ भी उतनी ज़्यादा करता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चलाओगे तो फिर मैं बताऊँगा आपको कितनी साउंड करता है, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके।